आपको बताने वाला हूँ जीरोधा में IPO कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले आप जीरोधा ऐप जो काइट है इसको ओपन करते हैं। तो ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉच लिस्ट है, नीचे देख सकते हैं यहाँ ऑर्डर है, यहाँ पोर्टफोलियो है, यहाँ पे देख सकते हैं बिड है। तो बिड पे आ जाएंगे और बिड पे आ जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ सेकेंड नंबर में IPO, यहाँ ऑक्शन दिया, IPO दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया। तो इस पर नहीं, इस पर क्लिक करेंगे IPO पे और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी कंपनी जो IPO है उसमें आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमें जिस कंपनी को IPO लेना है इस कंपनी के सिंपली यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे अप्लाई है तो यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पे ओके कीजिए अप्लाई पे और यहाँ पे चले। सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पे UPI ID डालना पड़ता है। तो गाइस आपका बैंक का UPI ID जो फ़ोन पे में रहता है या गूगल पे में रहता है वो UPI ID डालते हैं। जैसे आपका नंबर होगा मान लीजिए कुछ भी है 9 से 1 या कुछ भी, तो मतलब 10 अंक का नंबर होता है। जैसे डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर डाल दिए। उसके बाद आपका जो बैंक का URL होगा UPI ID वो डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ICICI का है तो ICICI डाल सकते हैं या एक्सिस बैंक का एक्सिस डाल सकते हैं और सिंपली यहाँ सबमिट बटन पे ओके कर देना। उसके बाद गाइस ये ऑटोमेटिक खरीदा जाएगा, आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे और अगर आपका लॉट नहीं हुआ तो फिर वापस रिटर्न भी आ जाएंगे। इसी में आपको कहीं कुछ नहीं करने का ज़रूरत है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।